हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन कानूनी कीड़ा। और यहाँ पर आप सभी के लिए फिर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी स्टेट का जुडिशरी का एग्ज़ाम, उसके लिए मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ। खासकर ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए है। और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स इस बार अपेयर होने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर ADR सब्जेक्ट जो है आपके सिलेबस में है। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे MCQ जो है अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर अपलोड किया है। IPC हो या CRPC, और एविडेंस एक्ट हो गया, आपका CPC हो गया। इसका प्लेलिस्ट आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा AIB एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और साथ में इस वीडियो के लास्ट तक उसका लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप वहां से डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं और वो सब सारी वीडियो भी देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों में ला रहा हूँ, तो फिर जो भी हिंदी वाले कैंडिडेट्स काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि हिंदी में भी लाइए, तो यहाँ पर मैं हिंदी क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर जो भी हिंदी वाले कैंडिडेट्स वो हिंदी को यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पर क्वेश्चन को रीड आउट जो करने वाला हूँ वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका वन साइड हिंदी वन साइड इंग्लिश रहेगा। और साथ में इस वीडियो को आप सब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट्स, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो मैं वीडियो के थ्रू नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है या फिर बहुत सारा पार्ट हो जा रहा है, ठीक है, और समय भी कम है। तो यहाँ पर अगर आप PDF इसका चाहते हैं, जो वीडियो में बता रहा हूँ क्वेश्चन उसका PDF चाहिए, या फिर जो और भी क्वेश्चन है उसका सारा PDF आपको चाहिए, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको 49 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा बाई ऑनलाइन। और उसके लिए आपको हमें ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम आईडी में। कानूनी कीड़ा का इंस्टाग्राम आईडी आपको चैनल पे मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको PDF चाहिए। नहीं तो फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कम्प्लीटली ये फ्री है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम ADR, आप सभी का सिलेबस में दिया हुआ है ADR, तो ADR से यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आएंगे AIB एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन साइड जो है आपका हिंदी है एंड सेकेंड जो है वो आपका इंग्लिश है। और इस वीडियो को आप लैंडस्केप मोड में कर लें, ताकि आपको सही सही दिख पाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको छोटा दिख रहा हो, छोटा तो दिख रहा होगा, लेकिन इसलिए आप इसको लैंडस्केप मोड में देखें। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ADR प्रोसेस इज क्वासी जुडिशियल, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास 4 है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पर आर्बिट्रेशन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में मध्यस्थता बोलते हैं। तो हिंदी वाले कैंडिडेट्स इधर देख सकते हैं और इंग्लिश वाले इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फ्लोइंग ADR प्रोसेस इज नॉन जुडिशियल, तो इनमें से कौन सा है जो ADR प्रोसेस नॉन जुडिशियल माना गया है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका मेडिएशन एंड काउंसिलेशन हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर हिंदी में ऑप्शन डी आपका मध्यस्थता और सुलह देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन, तो क्या सिमिलरिटीज़ है जो मध्यस्थता और आपका आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन में क्या सिमिलरिटीज़ है वो पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर इंग्लिश में 4 है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी क्या है आपका, बी है बोथ आर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, दैट मीन्स ये दोनों जो है मेडिएशन और आर्बिट्रेशन, ये दोनों क्या है, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट का एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम लोग मेडिएशन या फिर आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझाते हैं। तो हिंदी वाले कैंडिडेट्स आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं, राइट वाले में इंग्लिश वाला कैंडिडेट्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, व्हेन डिड लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कम इनटू फोर्स, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1995 में आया था, ठीक है, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ईयर परमानेंट लोक अदालत इज़ इंक्लूडेड इन लीगल एक्ट, तो करेक्ट आंसर इसका बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर ABCD करके, करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी है 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टू बी रिफर्ड टू परमानेंट लोक अदालत एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2015, तो इसके अनुसार क्या करेक्ट आंसर होगा वो बताना है आपको। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है,
चारों में यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 करोड़। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे 1 करोड़ देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे आपका, विच चैप्टर ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट मेंशन अबाउट परमानेंट लोक अदालत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका चैप्टर 6A, 6A यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर लीगल एड। तो इनमें से कौन से लीगल एड के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं है वो बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका चार, डेट मीन्स 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, अ मैन हु इज़ फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड हैज़ एनुअल इनकम ऑफ 10 लाख, जिसका 10 लाख से जनरल कैटेगरी का हो और जिसका एनुअल इनकम 10 लाख है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एक्सेस टू जस्टिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी है, द लिटिगेंट एक्सेस टू द एडजुडिकेटरी प्रोसेस मस्ट बी अनफोर्डेबल, अनअफोर्डेबल। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हु इज़ नॉट एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी है, अ सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हु कॉन्स्टिट्यूट्स तालुक लीगल सर्विस कमेटी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज्य स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ इन कॉन्सिलेशन एंड मेडिएशन। तो क्या सिमिलरिटीज़ है ये इसमें वो बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बोथ आर नॉन जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट 14 है, विच प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एग्जम्प्ट अ पर्सन फ्रॉम पेइंग रिक्विसाइट कोर्ट फीस इन अ सूट। तो किस में दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी है आपका ऑर्डर 33। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट 15, फिफ्टीन नंबर है यहाँ पे, विच प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एग्जेम्प्ट्स एन इंडिजेंट पर्सन फ्रॉम पेइंग रिक्विसाइट कोर्ट फी वाइल फाइलिंग एन अपील। करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है, तो अब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑर्डर 44। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, अंडर विच प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1908 द लीगल एड टू द एक्यूज्ड इज प्रोवाइडेड एट द स्टेट एक्सपेंस। तो किस सेक्शन में ये है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, सेक्शन 304 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हु गेव द स्टेटमेंट लीगल एड इज एन इंस्ट्रूमेंट बाई विच द पुअर कैन इन्फोर्स हिज राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, तो पोलक के द्वारा ही कहा गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, UDHR स्टैंड्स फॉर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पर हिंदी वालों के लिए ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 19 नंबर आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है, ए बी सी डी यहाँ पे 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
हिंदी के लिए यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिगार्डिंग मेडोला एंड मेडिटेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी आपका है, इन मेडोला द थर्ड पार्टी कैन मेक दिस सेटलमेंट फॉर द पार्टीज बट इट कैन नॉट बी मेड इन मेडिएशन। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 21 है, 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज मेंशन इन आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा पॉइंट जो आर्टिकल 38 में मेंशन किया हुआ है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे आर सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्ट्रक्शन सॉरी ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट 23 देखते हैं, 23 आपका है, 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइब्रिड एडीआर प्रोसेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कॉन्सिलिएशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट डिफाइंड इन लीगल सर्विस एक्ट 1987। तो इनमें से कौन सा टर्म जो है डिफाइन नहीं किया हुआ है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका लीगल एड क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अवार्ड बाय लोक अदालत। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है एवरी अवार्ड सही इसका ऑप्शन ए है एवरी अवार्ड ऑफ द लोक अदालत एवरी अवार्ड ऑफ द लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी अ डिग्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 24 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग केस प्रोवाइड्स अबाउट द लिस्ट ऑफ केसेस विच कैन बी एंड कैन नॉट रिफर टू एडीआर प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वेर के कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, विच प्रोविजंस प्रोवाइड अबाउट क्राइटेरिया फॉर गिविंग लीगल सर्विस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्शन 12 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, 25 का। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26 है, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इसमें मैच करना है 1, 2, 3 दिया हुआ है और 1, 2, 3 नंबरिंग करके इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? 1 का 1, 2 का 4, 3 का 3 एंड 4 का 2 होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, इसका थर्ड, तो इसको मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, वेयर द रिकॉर्ड ऑफ द केस इज रिटन अंडर सेक्शन 20 क्लॉज 5 टू द कोर्ट फ्रॉम विच स्टेट सेल द कोर्ट सेल प्रोसीड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका वो बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। द कोर्ट सेल प्रोसीड टू डील विथ सच केस फ्रॉम द स्टेज विच वॉज रिच्ड बिफोर सच रेफरेंस अंडर सेक्शन 20 क्लॉज 1। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत। तो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है, लोक अदालत कवर्स मैटर्स रिलेटिंग टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस ओनली बट परमानेंट लोक अदालत डज नॉट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, कैन लोक अदालत पास द अवार्ड ऑन मेरिट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा आपका, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नो।
ये पास नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हु कैन नॉट ऑर्गेनाइज लोक अदालत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है इसका, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट 31 है नेगोशिएशन इज़ अ प्रोसीजर, तो नेगोशिएशन क्या है, एक प्रोसीजर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर ही है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 32 है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द करेक्ट एडवांटेज ऑफ नेगोशिएशन, तो यहाँ पे ए बी सी डी चार ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर इसका बताना है 32 का, सेम उसी तरीके से हिंदी में भी है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्विक इकोनॉमिक प्रोसेस एंड प्राइवेसी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है द मेडिएटर इज अ, तो मेडिएटर क्या है एक, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, सेम इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फैसिलिटेटर है, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है व्हेन पार्टीज आर स्ट्रक ऑन देयर पोजीशन इन द नेगोशिएशन प्रोसेस दे आर प्रोबेबली इन्वॉल्व्ड इन, तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है व्हेन पार्टीज आर फोकसिंग नॉट ऑन देयर पोजिशन बट ऑन इंटरेस्ट इन द नेगोशिएशन प्रोसेस दे आर प्रोबेबली इन्वॉल्व इन, तो करेक्ट आंसर इसका बताना है, तो यहाँ पे ए बी सी डी चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटिव, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है टाइप्स ऑफ मेडिएशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट मीन्स बोथ कोर्ट एनेक्स्ड या फिर प्राइवेट मेडिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड वेयर अ पर्सन फैसिलिटेट्स पार्टीज टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ एंड पॉसिबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या है मेडिएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है अ मेडिएटर शुड नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़, तो करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रीजुडाइज्ड, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है इन अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी असिस्ट्स द डिस्प्यूटिंग पार्टीज इन रीचिंग अ सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडिएशन, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है मेडिएशन इज नॉट, तो मेडिएशन क्या है यहाँ पे नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या है रिकग्नाइज एज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 41 है बार्गेनिंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर मेडिएशन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है 42 का, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सेक्शन 89, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 43 है विच वन इज़ नॉट अ नेगोशिएशन थ्योरी, तो इनमें से कौन सा जो नेगोशिएशन थ्योरी नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, टोटल यहाँ पे ऑप्शन चार है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी नन, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, नेगोशिएशन थ्योरी ए बी सी में, ये तीनों में से कोई भी नेगोशिएशन थ्योरी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स इंटरनेशनल नेगोशिएशन, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी क्या है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंटेस्ट दिया हुआ है एंड बी जो है इमीडिएट कंटेस्ट, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ये दोनों डेट मीन सही है ए बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 नंबर है हु कैन बी अ मेडिएटर इन अ कोर्ट एनेक्स्ड मेडिएशन, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी बोथ है, डेट मीन्स लॉयर एंड रिटायर्ड जज, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सही है। नेक्स्ट 46 नंबर है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मेडिएटर, तो मेडिएटर का रोल क्या होता है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये चारों में करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक्ट एज एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी फैसिलिटेटिंग, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 47 है इज़ द आउटकम ऑफ मेडिएशन लीगली बाइंडिंग, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस। तो नेगोशिएशन का सीक्वेंस ऑर्डर क्या है, प्रोसेस उसका वो बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए है प्रिपरेशन फेज़, प्रेजेंटेशन और ओपनिंग फेज़, बार्गेनिंग फेज़ एंड क्लोजिंग और एग्रीमेंट फेज़। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा 48 का। नेक्स्ट 49 है, काउकस इज अ स्टेज इन। तो ये किस केस में ये एक स्टेज के रूप में काम करता है, तो ये मेडिएशन के रूप में। तो यहाँ पर मेडिएशन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, मेडिएशन इज अ नेगोशिएशन, मेडिएशन इज अ नेगोशिएशन कैरिड आउट विथ द असिस्टेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी। तो ये ट्रू है या फॉल्स वो बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, इंटरग्रेटिव अप्रोच ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन बेस्ड अपॉन। तो ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विन विन। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज। तो डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच है वो उसे क्या माना जाता है, तो यहाँ पे विन एंड लॉस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा 52 का। नेक्स्ट द बेसिस ऑफ नेगोशिएशन इज कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन हेयर रिफर्स टू। तो ये किसे रेफर करता है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव है, डेट मीन्स ओरल, राइटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये सब सारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट 54 है, एम ई डी ए आर बी इज अ। तो एम ई डी ए आर बी क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, हाइब्रिड फॉर्म है एक, ठीक है। तो ऑप्शन बी 54 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट 55 है, विच सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 प्रोवाइड्स फॉर मेडिसन। तो कौन सा सेक्शन ये प्रोवाइड करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेक्शन 30, ठीक है। सेक्शन 30 यहाँ पे करेक्ट है। तो ये टोटल 55 क्वेश्चन मैं पार्ट वन में करवा रहा हूँ, इसका पार्ट टू भी आएगा जो आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में अगर वीडियो आपको पसंद अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ, अगर आप PDF एक्सेस करना चाहते हैं तो PDF एक्सेस करने के लिए आप इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें टोटल जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है अप्रोक्स 200 होंगे या 150 प्लस है ना, हाँ 200 समथिंग है। तो 200 तो सारा क्वेश्चन मैं वीडियो के थ्रू नहीं करवा पाऊँगा। तो जो जो PDF एक्सेस करना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई डाउट है तो वो भी कमेंट आप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।